तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो कि इसमें क्या कहते हैं कि भाई यूनिट मैच कराना, तो टॉर्क की यूनिट क्या होगी? एक तरीका ये होता है कि डायमेंशनल फार्मूला निकालो, दूसरा है डिफिनेशन से ही टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट होता, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए और डिस्प्लेसमेंट का डी हो गया, तो एम मास का हो गया केजी, एक्सलेशन का मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का ये मीटर, तो इसका पूरे का यूनिट बना केजी मीटर स्क्वायर एस की पावर -2। आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल के भी कर सकते थे, ठीक है ना, तो आप उसे भी कर सकते, इसे भी कर सकते, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ टॉर्क का मीटर पर, इसका जो टॉर्क का वो ए का फोर्थ मैच किया, तो ए का फोर्थ मैच किया मतलब ए ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता, या तो ये सही है, तो ये सही है, तो ये सही है। एनर्जी डेंसिटी, तो दूसरा एनर्जी डेंसिटी की बात करोगे तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है भाई? अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करूंगा तो एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है, एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा एनर्जी डेंसिटी, तो ये तो एनर्जी की एनर्जी आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, दैट इज एनर्जी, और वॉल्यूम एल की पावर क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, एनर्जी डेंसिटी देखो ऊपर, तुम ऐसे भी कर सकते थे ऐसे, तो यह जाएगा के जी पर मीटर सेकेंड की पावर -2, तो के जी पर मीटर सेकेंड की पावर -2, तो इसका मतलब ये हुआ के जी पर मीटर सेकेंड की पावर -2 एनर्जी डेंसिटी इसका फर्स्ट के साथ मैच कर गया, ठीक है। और आप ऐसे भी तो निकाल सकते थे एनर्जी डेंसिटी, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे एज यू लाइक एज यू विश। तो एनर्जी डेंसिटी तुम देखोगे तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो एनर्जी क्या होता है भाई? तो एनर्जी होती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, और वॉल्यूम होती है डिस्प्लेसमेंट एल की पावर क्यू, समझ रहे बात समझ में आ रहा, और फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, और ये आ जाएगा डी, और ये आ जाएगा लेंथ की पावर की, तो ये वही बात आएगी, तो ये सेम आ जाएगा के जी मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हो। तो सेम स्टोरी प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर ग्रेडियंट लिखो भाई, तो प्रेशर ग्रेडियंट का लिखोगे तो क्या हो जाएगा? तो अगर मैं प्रेशर ग्रेडियंट का लिखूंगा यहाँ थर्ड, तो नाम से ही लग रहा प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है फिजिक्स में, ग्रेडियंट का मतलब होता है वो क्वांटिटी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे वेरी कर रही है, डी एक्स ओवर डी टी। अब प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, और लेंथ डी एक्स, तो फोर्स का होता है एम एल टी -2, और एरिया एल स्क्वायर, और ये एल, तो एक एल ने एल एल को खत्म किया, मतलब एम एल की पावर -2 टी की पावर -2, डायमेंशनल फार्मूला। तो एसआई यूनिट बनेगी के जी मीटर की स्क्वायर, और यहाँ से सेकेंड की पावर -2, तो देखो यहाँ से कौन सा मैच किया, तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मीटर पर स्क्वायर मतलब प्रेशर ग्रेडियंट सी का मैच कर गया अपना थर्ड, तो ये जो सी है इसका थर्ड मैच कर गया, तो सी का थर्ड मतलब ये हुआ, देख रहे हो सी का थर्ड और बी का फर्स्ट, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इम्पल्स, इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है? तो इम्पल्स इज इक्वल टू बेसिकली कुछ नहीं, इम्पल्स अगर तुम बात करोगे फोर्थ, तो इम्पल्स इम्पल्स इज इक्वल टू तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी, एवरेज फोर्स, तो फोर्स का आ जाएगा एम एल टी -2, और टाइम का टी, इसका मतलब ये हुआ एम एल टी की पावर -2, तो यह आ जाएगा के जी मीटर पर सेकेंड, तो के जी मीटर पर सेकेंड देखो कौन सा मैच किया, तो इम्पल्स का आ जाएगा के जी मीटर पर सेकेंड, दैट इज सेकेंड बचा था, सेकेंड ही मैच कर गया। तो बार बार यही पूछा गया है, बट मैंने बहुत पेशेंस के साथ एक्सप्लेन किया, बार बार ये लिखा हूँ, सोचो कितना बोरिंग होगा, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।